हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 244A। ये आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्टेटहुड का इशू उठ रहा है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल 244A क्या है। आर्टिकल 244A आसाम के कुछ सर्टेन ट्राइबल एरियाज में एक ऑटोनोमस स्टेट बनाने की बात करता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में 1969 में डाला गया था बाय द देन कांग्रेस गवर्नमेंट और इसमें लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी प्रोविजन है। ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल से डिफरेंट है, ये हम जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) आता है, जो कि स्पेशल प्रोविजंस देता है और ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के साथ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात करता है इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के कुछ सर्टेन ट्राइबल एरियाज में इसकी बात करता है। नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनोमस काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि पंचायत इलेक्शंस होता है, पंचायत इलेक्शंस में डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्शंस, और वो पंचायत का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सरपंच होता है, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, पर उसके पास उतना ज्यादा पावर्स नहीं होता है। पावर्स क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो उसी तरह से ट्राइबल एरियाज में क्या है कि उन्हें थोड़ा ज्यादा पावर्स दिया जाता है, पर उनका इलेक्शन उसी तरह से होता है, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल ऑफ दोस एरियाज। आसाम में दिमा, हसाओ, कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी, बोडो टेरिटोरियल रीजन इस प्रोविजन के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिकल 244A क्या करता है, आर्टिकल 244A ट्राइबल एरियाज को ज्यादा ऑटोनोमस पावर्स देने की बात करता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है, कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और ये इसलिए कंटेंशियस इशू बना हुआ है क्योंकि ऑटोनोमस काउंसिल के पास 6 शेड्यूल के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अब ये सेपरेट स्टेट का डिमांड किस तरह से उठा, तो 1950s में एक सेपरेट हिल स्टेट का डिमांड उठता है और ये डिमांड आसाम के कुछ अनडिवाइडेड एरियाज में के ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा उठाया जाता है। 1960 में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस में मर्ज कर जाते हैं और ये एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, और बहुत दिनों तक इसके लिए एजिटेशंस चलता है। और इसके बाद मेघालय को फाइनली 1972 में स्टेटहुड दे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ कचार हिल्स के जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं, वो भी इस मूवमेंट के पार्ट रहते हैं, लेकिन उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो आसाम में रहें या फिर मेघालय को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उस समय के कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन्हें ये ऑफर दिया कि आप चाहें तो आसाम में रह सकते हैं और हम आप लोगों को आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं। और उसी समय से आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने का डिमांड उठ रहा है, और 1980s में ये डिमांड एक मूवमेंट का फॉर्म ले लेती है और कुछ ट्राइबल एरियाज के लोग और ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते हैं कि वायलेंट मूवमेंट, वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे ये एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी का रूप ले लेती है और ये डिमांड करती है क्या, फुल स्टेटहुड। वैसे ये जो आसाम का रीजन है हिसाब से बहुत ही सुंदर है, लोग यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, ये घूमने लायक बहुत सुंदर जगह है। ये है अपना वेलो घाट वाटरफॉल, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स है। यहाँ के रीजन्स बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, नेचुरल ब्यूटी से पूरा भरपूर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी वडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी वडी।